प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले चौथे फरार आरोपी मोहम्मद शाहिद अहमद को सुपेला थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही कर उसे जेल भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर सेक्टर 7 निवासी प्रार्थिया सुषमा मोहतेवार से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों मकसूद खान, रेशमा खातून और श्यामली श्रीवास्तव को सुपेला थाना पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले के चौथे फरार आरोपी अटल आवास कुरुद निवासी मोहम्मद शाहिद अहमद की पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही थी, जिसे अंततः गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी सुपेला थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने दी। ये पिछले दिनों का मामला है। पिछले दिनों में प्रार्थी सुषमा मोहतेवार के द्वारा थाना उपस्थिता का रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि इसे रेशमा खातून और मकसूद और शाहिद, जो रेशमा का बेटा है, और श्यामली श्रीवास्तव महिला है, इन चारों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास में मकान दिलाने के नाम से ठगी की गई, जिसमें मकसूद को ये लोग नगर निगम का बड़ा अधिकारी बताते हुए लोगों से लाखों रुपए हड़प लिए हैं, जिसमें सुषमा मोहतेवार से भी 4 लाख के आसपास का ठगी होना बताई की रिपोर्ट पर मामला तुरंत 420, 124B, 34 में दर्ज करने के उपरांत आरोपियों को हिरासत में लिया गया था। 3 आरोपी रेशमा खातून, मकसूद और श्यामली श्रीवास्तव को प्रथम दिवस में ही हिरासत में लेकर पूछताछ कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। एक आरोपी जो शाहिद है वो फरार था, जिसे कल दिनांक को पकड़ के हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके विरुद्ध में अपराध पाए जाने पर उसे भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। गौरतलब है कि सुपेला थाना पुलिस द्वारा ठगी करने वालों, अवैध शराब, जुआ, सट्टा, चोरी, अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिल रही है। थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में अभियान लगातार जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।